Hello everyone, good afternoon to all. Myself is Kiran. You all are welcome on An Academy. So guys, today we are going to start a very important topic of political science and IR, right? So join me as soon as possible. Class has been started. Join me soon. एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, आई एम ऑडिबल टू यू? आप मुझे देख पा रहे हैं और अच्छे से सुन पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. ओके, आप मेरे से किस तरीके से जुड़ सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी अलॉन्ग विद अन अकेडमी. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यू विल गेट प्लस सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. ओके, यस, थैंक यू सो मच नंदन कुमार श्रीवास्तव. ओके, यू आर वेलकम टू माई क्लास. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ सकते हैं. यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जहां पर आपको यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, राइट? एंड व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, वेयर यू कैन चैट, इंगेज विद डिस्कशंस अलोंग विद योर एजुकेटर, एंड हियर यू कैन आस्क योर डाउट्स, राइट? Then structured course means you will get each and everything like prelims, mains, interview. Okay, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ जुड़ सकते हैं. Then live tests होंगे आपके, okay? और quizzes होंगे. So before UPSC evaluate you, you can evaluate yourself, right? नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस. ओके, एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको सभी कोर्सेस का जो है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ठीक है, आप किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर जा सकते हैं. ठीक है गाइज, ओके. नेक्स्ट, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए. ठीक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ इज केरन, एंड आप पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, टू टाइम्स यूपीएससी सी एस सी इंटरव्यू, and excellent command on writing skill. Okay, 5 years teaching experience along with these are my teaching subjects, you know, history, international relations and governance issue. This is my An Academy profile, you can follow me here. Okay, so there are 100 plus top educators, right? Sudarshan Gurjar, Roman Saini sir, Mrunal Patel. Okay, so aap inke courses jo hain join kar sakte hain. यहाँ पर देखिए, आपके लिए कितने कोर्सेज, यहाँ पर बेसिक टू एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है. बेसिक टू एडवांस, ओके. एनसीईआरटी की समरी से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, ओके. और यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कोर्सेज भी करवाया जाएगा. ठीक है, दीज आर यूपीएससी सी एस सी सब्सक्रिप्शन, 1 month, 3, 6, 12, ओके. और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, 20th अक्टूबर से जो है यहाँ पर फी को जो है बढ़ा दिया जाएगा. सब्सक्रिप्शन फी है तो ये बढ़ सकती है, तो आप कोशिश करिए 20 अक्टूबर से पहले एडमिशन ले लें, उसके बाद ये फी जो है हाइक हो जाएगी, राइट? यूपीएससी के लिए यहाँ पर देखिए, प्लस और आइकॉनिक जो है आपके लिए प्लान है, ये 8 पैरामीटर्स बनाए गए हैं. प्लस का 1 साल के लिए जो है 44,000. आप मेरा कोड किरण1 अप्लाई करिए तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर. ठीक है, किरण1 इज माई कोड, राइट? ये देखिए, आपके लिए आइकॉनिक है, यहाँ पर आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी स्टडी प्लान की जाएगी और आपको पर्सनल फीडबैक भी यहाँ पर दिया जाएगा. ठीक है, तो 1 ईयर जो है आपके लिए 64, ये बढ़ जाएगा अभी. ठीक है, और किरण1 जो है आप कोड अप्लाई करिए तो आपको 10% डिस्काउंट, इन द सेम वे यहाँ भी आपको जो है 10%. ठीक है, तो 20 अक्टूबर से पहले आप जो है कोशिश करिएगा, राइट? तो गाइज, आज का जो है हमारा कोर्स स्टार्ट होता है
हम किस तरीके से जो है इस थ्योरी को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का जो है सीरीज चलाया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको हम। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्टिक थियोरी ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए आज हम यहाँ पर जो स्टेट है, राज्य के सिद्धांत जो हैं, मार्क्सवादी और बहुलवादी, सिद्धांत। थ्योरी या डॉक्ट्रिन जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो सबसे पिछली क्लास में मैंने आपको जो मेरा लास्ट लेक्चर है यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है लिबरल एंड न्यू लिबरल के लिए, लिबरल एंड न्यू लिबरल के लिए जो थ्योरी है स्टेट की, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में कल हमने लिबरल एंड न्यू लिबरल थ्योरी की थी, आज हम लोग मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि मार्क्सवादी क्या है। ठीक है, तो जो मार्क्स के थॉट्स हैं, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स के थॉट्स हैं, जो उसके व्यूज हैं, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के व्यूज जो हैं, उन व्यूज को क्या नाम दिया गया है, मार्क्सिस्ट, यानी कि एक विचारधारा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के जो है विचार एक विचारधारा बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो मार्क्सिस्ट, यानी कि एक विचारधारा बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये लोग जो है मार्क्स ने या मार्क्सिस्ट ने जो है स्टेट को क्या बोला है, ठीक है, स्टेट के लिए क्या बोला है इन लोगों ने, कि भाई ये राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्लास पर्सपेक्टिव भी कह देते हैं इन्होंने राज्य को क्या बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल यूपीएससी में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर डेफिनेटली पूछा जाता है, राइट। क्लास पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट इज एसोसिएटेड विद मार्क्सिज्म। ठीक है, अगर आपसे क्लास पर्सपेक्टिव पूछा जाए, मार्क्सिस्ट थ्योरी पूछा जाए, सब एक ही बात है, राइट। तो मार्क्सिज्म ने स्टेट के लिए क्या बोला है, कि द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस। इन्होंने क्या बोला है, बाकी के थ्योरिस्ट जितने भी थे, लिबरल थे, न्यू लिबरल थे, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, भी स्टेट कैसे बना, भी स्टेट जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब लोगों के बीच में जो है एक समझौता हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने मिलकर अपने सारे अधिकार किसको दे दिए, स्टेट को, और स्टेट ने के पास ये पावर आ गई कि ये फंडामेंटल राइट को जो है, इसके फंडामेंटल राइट यानी कि सोसाइटी के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ लोगों के बीच में, मतलब लोगों की इच्छा से उनकी विषय जो है स्टेट को बनाया गया, यानी कि सरकार को बनाया गया। ठीक है, तो लोग तो जो है अदर थिंकर्स ये मानते हैं, लेकिन मार्क्स की जो विचारधारा है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो लिबरल या कैपिटलिस्ट थिंकिंग के अपोजिट में जो है मार्क्सिज्म आया है, क्योंकि ये साइंटिफिक सेट ऑफ सोशलिज्म है। ठीक है, क्योंकि ये सोशलिस्टिक विचारधारा है, राइट। तो इसने क्या कहा है, बाकियों की तरह जो है इसने एक बहुत ही डिफरेंट व्यू दिया है, मार्क्सिस्ट ने क्या कहा है, कि द स्टेट comes into existence when society is divided into two antagonistic classes. Antagonistic यानी कि दो विरोधाभासी
वर्गों का जन्म होता है तो स्टेट निकल कर आता है, ठीक है। और जो ये समाज में दो विरोधाभासी वर्ग यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट, इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और वो कौन से थे? पहला था ओनिंग द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन एंड अदर लेबरर्स, यानी कि पहला वर्ग था डोमिनेंट क्लास भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? पहला कह सकते हैं डोमिनेंट क्लास, है ना, एलिट क्लास, डोमिनेंट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। भी पहला जो है क्लास ये आया, और दूसरा आया लेबरर, मजदूर वर्ग, ठीक है। तो दूसरा आया लेबर, ठीक है। तो देखिए डोमिनेंट क्लास, या आप इसको डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, जो इन्हीं पर, ठीक है, तो इनके लेबर का बेनिफिट कैपिटलिस्ट को उठाना पड़ता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट को होता है। तो यहाँ पर देखिए लेबर का और डोमिनेंट क्लास का कैप, ठीक है, तो लेबरर्स का और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में जो है इनसे बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी भी, इसकी विशेषताएं क्या है। इट कंसिडर्स दैट इट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या रीजन माना? इन्होंने रीजन माना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट डिवाइड सोसाइटी इंटू टू कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस। अभी मैंने बताया कि दो क्लास बने सोसाइटी में, तो स्टेट बना, ठीक है। तो इसने रीजन भी बताया भी ये दो क्लास कब बने, कौन सी क्लास है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रीजन मानता है निजी संपत्ति, ओके। तो निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, या आप कैपिटलिज्म भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिस्ट आए, तो सोसाइटी जो है दो क्लास में बट गई। पहला वो जो जिनके पास प्रोडक्शन के साधन की ऑनरशिप है यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन्होंने समाज के जो सोशल प्रोडक्शन था उसको उसके ऑनर बन गई, ठीक है। एक्वायर द पावर टू डोमिनेट द अदर क्लास, ठीक है। तो जब इनके पास प्रोडक्शन के साधन होंगे, जब इनके पास सारी चीजें ऑनरशिप होगी प्रॉपर्टी की, तो ये सोसाइटी को डोमिनेट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो सोसाइटी को डोमिनेट करेंगे नॉट ओनली इन इकोनॉमिक स्फेयर बट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। सिर्फ इकोनॉमिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों का मतलब कहाँ है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल में भी, सोशल में भी, ठीक है, और आपका जो है साइकोलॉजिकली भी, और आपका जो है यहाँ पर इकोनॉमिक भी, ठीक है। हर तरीके से जो है आपको डोमिनेट किया जाएगा, और थोड़ा इंटेलेक्चुअली भी, ठीक है, क्योंकि बुद्धि उसी में मानी जाती है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर को इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक सिचुएशन को इन्होंने बहुत बड़ा जो है तवज्जो दिया है मार्क्सिज्म में, ठीक है। तो ये लिंक आपको जो है समझ में आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से समाज बटा, और जब समाज बटा तो स्टेट आया, तो स्टेट किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको मार्क्सिज्म की बता दूं। मार्क्सिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, मार्क्सवाद का मतलब क्या है, ठीक है। मार्क्सवाद बेसिकली ए सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एडवोकेटेड बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, के विचारों के, ठीक है, के राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का एक सेट है, एक विचार है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशंस ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो मार्क्स, मार्क्सिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। और ये साइंस बताई इन्होंने सोशलिज्म की। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जब मींस ऑफ प्रोडक्शन कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में ना होकर बल्कि पूरी कम्युनिटी के हाथ में होते हैं, यानी कि सोसाइटी के हाथ में होते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? सोशलिज्म कहते हैं। और साइंटिफिक वर्ड जब आ गया तो इन्होंने उसको जो है बेसिक कुछ कुछ जो है इन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं ना, कि सोशलिज्म को साइंटिफिक जो है इन्होंने बनाने की कोशिश की है, राइट, समझ आया। नेक्स्ट थिंग, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू हिस्टोरिकल एनालिसिस। इन्होंने हिस्ट्री की घटनाओं के अकॉर्डिंग ही
जो है सोसाइटी की, जो मानव समाज है उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। ठीक है, कैसे, जैसे स्टार्टिंग से ले, मान लो देखो हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, ठीक है, हिस्ट्री को कितने भागों में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे प्री हिस्ट्री पीरियड था, है ना, प्री हिस्ट्री पीरियड जिसमें मानव को लिखना नहीं आता, इतिहास की शुरुआत तब मानी जाती है जब से मानव ने लिखना सीखा, जब उसको लिखना आ गया, इसका मतलब उसने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टोन एज को जो है यहाँ पर पढ़ते हैं ना, पाषाण काल जो है, तो स्टोन एज में कौन हुआ करता था, जो अर्ली मैन था, आदि मानव था। तो अर्ली मैन क्या था, हर चीज का यही तो मालिक था। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इस टाइम तक कोई क्लास नहीं थी, है ना, क्यों नहीं थी, क्योंकि जो भी उस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस टाइम पे मालिक कौन था, अर्ली मैन या आदि मानव, सब कुछ इसी के हाथ में थे, पत्थर के औजार सब कुछ। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है कोई भी उनका जो है कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है हिस्टोरिकल पीरियड आया, हिस्टोरिकल पीरियड आया तो कॉलोनियलिज्म आया, है ना, कॉलोनियलिज्म यानी कि कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये किसका, तो मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि इतिहास का जो कॉलोनियल पीरियड रहा है ना वो कैपिटलिज्म का जो है सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है। तो कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद को जो है कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम, इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, ये सब को जो है सोसाइटी के लिए खराब मानते हैं कि ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था। ठीक है, और ये बात काफी हद तक सही भी है, भाई ये लोग ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें जो है पॉलिटिकली भी डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ह्यूमन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से समझा, हिस्टोरिकल फैक्ट से। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, तो जैसे जैसे हिस्ट्री के, हिस्ट्री जो है कवर होता है, हिस्ट्री आगे बढ़ता है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो किसी कंट्री की, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जैसे जैसे हम पास्ट में जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स जो है उतनी ही बढ़ती हैं। क्यों, क्योंकि पास्ट जो हमारा इंडिया का जो हमारा पास्ट है वो काफी कॉलोनियल है, काफी एक्सप्लॉयटेटिव पास्ट रहा है। ठीक है, क्योंकि मोर देन 250 100 ईयर्स जो है हम लोग यहाँ पर टू, ठीक है, तो वो हमारे हम कॉलोनियल जो है टाइम पीरियड इंडिया का रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मार्क्सिज्म की कि यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से समझा है, हिस्टोरिकल एनालिसिस को, ठीक के तरीके से, एंड ट्रीट्स हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को क्या मानते, हिस्ट्री एज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर्स एंड लेबरर्स। इन्होंने क्या माना है कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है, वो ऑनर्स और लेबरर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक द्वंद्व है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिस्प्यूट है। ठीक है, जैसे कांग्रेस के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में रहता था कॉन्फ्लिक्ट, है ना, हमने डिमांड करी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वो हमें क्या दे रहे थे, डोमिनियन स्टेटस। तो ये भी कहा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स, क्योंकि सभी चीजों का के ओनर्स तो वही थे ना। ठीक है, दिस कंफ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द फॉल्ट्स इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब खाली फैक्ट्री एंड ऑल दैट नहीं होता, यहाँ पर मतलब होता है जो भी लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना, अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो, है ना, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलाना था बट ब्रिटिश गवर्नमेंट हर फील्ड पर कंट्रोल करके बैठी थी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस पर भी, ह्यूमन रिसोर्सेस पर भी, गवर्नमेंट पर भी, हर तरीके से जो है हमारे ऊपर उनका डोमिनेशन था। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर हमने नेशनल मूवमेंट चलाया, हम उनके खिलाफ गए, ठीक है, क्रांति हुई, आंदोलन हुए, है ना, तब जाके हमें जो है फ्रीडम मिली। ठीक है, तो मार्क्सिज्म का जो ये विचार है वो यहाँ पर जो है एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने स्टेट को क्या कहा है, स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। ठीक है, क्या कहा है कि स्टेट जो है वो डोमिनेंट क्लास, ठीक है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो डोमिनेंट क्लास है उसके हाथों का एक यंत्र है। ठीक है, तो जो स्टेट बना है, सरकार बनी है, ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आज की जो गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है बिग कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट्स के लिए कर रही है, जितने भी बिग कॉर्पोरेट्स हैं, है ना, जैसे टाटा, अनिल अंबानी, रिलायंस, ये सब क्या बिग कॉर्पोरेट्स हैं,
ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, तो स्टेट की जब चाहे सिचुएशन बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स कहना चाहता है कि जो राज्य होता है यानी कि जो सरकार होती है वो किसके हाथ की कठपुतली होती है, वो कैपिटलिस्ट के हाथ होगी, क्योंकि इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में होती है, जीडीपी देश की, ठीक है, तो उनके हिसाब से ही रूल रेगुलेशंस जो है कोई गवर्नमेंट फ्रेम करती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पर देखिए, जब इन्हीं के हाथ में के जो है हाथ का इंस्ट्रूमेंट होगी तो ऑब्वियसली ये एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे, तो शोषण का भी यंत्र हो जाएगा, तो शोषण कर सकते हैं ये, ठीक है, तो शोषणकारी यंत्र है। तो इन्होंने स्टेट को क्या कहा है, ठीक है, जैसे लिबरल क्या कहते हैं, ठीक है, लिबरल कहते हैं भाई स्टेट जो है वो एक बुराई है ना, वो लिबर्टी के लिए जो है एक हर्डल है। नियो लिबरल क्या कहते हैं, नियो लिबरल कहते हैं कि स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रोल है ना, भी वेलफेयर करता है स्टेट, लेकिन ये क्या कहते हैं कि स्टेट जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है, मतलब ये इन्होंने भी एक तरीके से निगेटिव इंटरप्रिटेशन दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, लिबरलिज्म क्या कहते हैं कि भाई एक बुराई है ना, लेकिन जरूरी भी है, आवश्यक बुराई है, जरूरी भी है, क्योंकि सेफ गार्ड करना है अपने फ्रीडम को, लिबर्टी को, ठीक है। ये कहते हैं भाई खाली राज्य का इस्तेमाल या सरकार का इस्तेमाल आप केवल प्रोटेक्शन के लिए, लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते, मल्टी डिसिप्लिनरी रोल आर देयर, ओके। तो यहाँ पर वेलफेयर भी करता है जो कि सोशल इनइक्वालिटीज को ठीक करने के लिए यूज है, ठीक है। तो नियो लिबरल के एकदम अपोजिट, यानी कि लिबरलिज्म के एकदम अपोजिट जो है व्यू है मार्क्सिज्म का। इन्होंने कहा है कि समाज का जो है, समाज के जस्टिस, सामाजिक न्याय देता है, वेलफेयर करता है, कल्याण करता है, ये लिबरलिज्म ने कहा, लेकिन मार्क्स ने क्या कहा कि स्टेट शोषणकारी यंत्र है, क्योंकि ये डोमिनेंट क्लास के हाथ का इंस्ट्रूमेंट है, जब चाहे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को जो है, ठीक है, नचा सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है पॉलिसीज को फ्रेम करा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि विद द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का उद्भव होता है तो सोसाइटी जो है इज डिवाइडेड इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, तो समाज बट जाता है डोमिनेंट में और डिपेंडेंट पे, ये आश्रित है और ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो डोमिनेंट क्लास इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इकोनॉमिक पावर इन्वेंट्स ए न्यू फॉर्म ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो डोमिनेंट क्लास होती है वो क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक पावर को बनाए रखने के लिए उसने एक नई पावर और खोजी, पॉलिटिकल पावर, जिसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने खोजी है, लेकिन लिबरल और नियो लिबरल जो विचारधारा के जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं भी सोशल सोसाइटी ने जो है स्टेट को बनाया, यानी कि सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबने एक एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में और उन्होंने स्टेट को बना दिया। लेकिन यहाँ पर मार्क्स क्या कहते हैं कि स्टेट अपने आप नहीं बना, ये तब बना जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे दी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी आने से समाज बटा, और इसने अपने होल्ड को बनाए रखने के लिए क्या बना दी, पॉलिटिकल पावर। तो एक तरफ इकोनॉमिक पावर तो हो गई जो है डोमिनेंट क्लास के हाथ में, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, तो हर तरह से जो है ये पावरफुल हो गया, और डिपेंडेंट का जो है शोषण होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, द स्टेट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर को प्रदर्शित करता है, ठीक है, मतलब एक उसकी बॉडी है, उसकी संस्था है। स्टेट ओरिजिनेट्स टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास, भी स्टेट का काम क्या, भी वेलफेयर वेलफेयर वगैरह नहीं करता। तो समाज दो भागों में बटा, एक डोमिनेंट में और एक डिपेंडेंट में, ठीक है। तो डोमिनेंट के पास आ गई इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, और इसके पास कुछ भी नहीं, ये इसका शोषण जब चाहे वैसे कर सकता है, ठीक है। तो
तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को मार्क्स ने क्या बताया है, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया, ठीक है। एंड आगे क्या कहा है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। भी जो स्टेट है वो एकदम पूरे होशो हवास में पूरी श्रद्धा से जो है डोमिनेंट क्लास ने स्टेट को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कहना चाहता है, यहाँ पर मार्क्स ये कहना चाहता है कि राज्य या राज्य स्टेट स्टेट जो है वो पूरी तरीके से किसके अंडर में है, डोमिनेंट क्लास के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सोसाइटी एंड स्टेट डू नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस टुगेदर, समाज और राज्य एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, कि ये दोनों अपोजिट है। क्लास थ्योरी जो इन्होंने क्लास थ्योरी दी है, उन्होंने क्या कहा है कि सोसाइटी एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, भी सोसाइटी तो है लेकिन स्टेट आर्टिफिशियल है ना। इन्होंने क्या कहा है, स्टेट कृत्रिम है, यानी कि स्टेट को बनाया है डोमिनेंट क्लास ने लेकिन ये नेचुरल है, ये क्या है, ये प्राकृतिक है, ये इटर्निटी से जो है एग्जिस्ट है, ठीक है, लेकिन ये कृत्रिम है। मैन इज सोशल एनिमल एंड नॉट पॉलिटिकल एनिमल। तो यहाँ पर जो प्लेटो ने व्यू दिया है ये उसके विचार से जो है असहमति बताते हैं कि मैन सोशल एनिमल तो है बट नॉट पॉलिटिकल एनिमल, मतलब उसके अंदर एक जो पावर को एक्सरसाइज करने की या पावर पाने की जो है कोई उसमें जो है क्वालिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखती थी, वो सोशल है क्योंकि ये सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं ना, पॉलिटिकल एनिमल नहीं है जो प्लेटो ने एरिस्टोटल ने जो है जिस तरीके से व्यू को बढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी इज नेचुरल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स, ठीक है। इसने अब समाज को जो है नेचुरल इंस्टीट्यूशंस कैसे माना कि भाई क्योंकि सोसाइटी जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्योंकि उसे जो है प्रोडक्शन करना है मटेरियल चीजों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्क्स ने क्या कहा है कि प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, की व्यक्ति जो भी कुछ करता है ना, जितने भी उसके काम उनमें से उसको प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन सबसे बड़ी मानव क्रिया है, यानी कि आदमी जो काम करता है, जो उसके सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कार्य है, कर्म है, वो क्या है, उत्पादन। क्यों है उत्पादन, क्योंकि उत्पादन के बिना सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए जो है प्रोडक्शन की जरूरत होती है, प्रोडक्शन होता रहेगा तो सर्वाइवल होता रहेगा, सर्वाइवल होएगा तो सोसाइटी बनी रहेगी, ठीक है। अब व्यक्ति ने प्री हिस्ट्री से लेकर यानी कि जब आदि मानव हुआ करता था, आदि मानव से लेकर अर्ली मैन टू मॉडर्न, ठीक है, प्रोडक्शन किया है तभी तो एग्जिस्टेंस है आज, ठीक है। तो अर्ली मैन टू मॉडर्न मैन जो है प्रोडक्शन पर ही तो है, ठीक है, किसी ने किसी तरीके से उसने प्रोडक्शन किया है, चीजों का सर्वाइव किया है, ठीक है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आदमी प्रोडक्शन करता रहा, हिस्ट्री बदलती रही जिस जिस स्टेज पर, तो वहां पर जो सोसाइटी के रिलेशन थे वो सोसाइटी के रिलेशन भी बदलते गए। देखो कैसे, जैसे अर्ली मैन था तो अर्ली मैन का किससे क्या रिलेशन था, कोई कोई क्लास स्ट्रगल नहीं था क्योंकि जो भी कुछ था यही था। लेकिन जैसे ही मॉडर्न मैन आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, यानी कि ये एक बहुत बड़ी घटना हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली, जैसे ही ये घटना आती है तो क्या होता है, सोसाइटी सोशल रिलेशंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर सोशल रिलेशंस बने, सोशल रिलेशंस का मतलब होता है सोसाइटी में क्लास बट गई, और वो क्लास से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन सी बनी, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट, कौन सी बनी, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। देखिए लीगल लीगल पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल रिलेशंस एज वेल एज रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आर डिटरमाइंड बाय द मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है, ये चीज तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो मटेरियल चीजें होती है यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, जो है उसको डिफाइन करती है, राइट। फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है,
वो उसका पॉलिटिकल स्टेटस, इंटेलेक्चुअल स्टेटस सब कुछ दिखाता है। इवन रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी वही डिटरमाइन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप किसी अगर रिलीजियस प्लेस पर गए हैं तो पूजा पाठ का क्या सिस्टम होता है, ये आप समझ ही सकते हैं, है ना। जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए अलग लाइनें होती हैं, जो आम आदमी होते हैं उनके लिए अलग होते। तो यहाँ पर देखिए रिलीजन को भी जो है पार्ट दिया गया। ठीक है, मान लो किसी मंदिर में अनिल अंबानी जाए और एक और उसी मंदिर में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले दर्शन के लिए किनको भेजा जाएगा, कैपिटलिस्ट क्लास को। तो यही मार्क समझाना चाह रहा है कि भाई रिलीजन को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी डिसाइड करने वाला कौन है, ये कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है डिसाइड करती है। ओके, तो देखिए मैंने जो भी कुछ यहाँ पे बताया, हमने शुरू किया था कि जो है स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि स्टेट, हाउ स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये पूछा जाए, इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का यंत्र, किस तरीके से स्टेट को जो है शोषण का तंत्र माना गया, तो आपको ये सारे व्यूज देने होंगे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी ये करती है सोसाइटी के जो है सभी स्पेयर्स को जो है किस तरीके से वो उस पर स्ट्रांग होल्ड होता है, किस तरीके से वो सारी स्पेयर्स पर कंट्रोल करता है ना, लीगल भी, पॉलिटिकल भी, इंटेलेक्चुअल भी, है ना। तो वही जो है सोशल रिलेशंस डिटरमाइन करता है, वही स्टेट डिटरमाइन करता है। तो ईच एंड एवरी थिंग इज डिफाइंड बाय, ठीक है। तो ये जो है मार्क्स ने बोला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है यानी कि कैपिटलिज्म के जो बेनिफिट हैं ग्लोबलाइजेशन के या यूनिफॉर्मिटी के, उन चीजों को ओवरलुक किया गया है। तो मार्क्सिज्म के हर कोई विचारधारा होती है, तो हर एक विचारधारा के अपने कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, क्योंकि एक भी विचारधारा ऐसी नहीं है अब तक जो, ना ही वो लिबरलिज्म है, ना ही वो मार्क्सिज्म है, ना ही वो सोशलिज्म है ना। हर जगह पर एक मिक्स्ड जो है मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, तो बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो हम ये पढ़ रहे हैं कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर प्लूरिस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं स्टेट की। ठीक है, प्लूरिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहां पर जो है सोवरेनिटी के लिए दो व्यू हैं, एक है मोनिस्टिक और दूसरा है प्लूरलिस्ट। ठीक है, यानी के ये जो है स्टेट सोवरेनिटी, यानी के जो गवर्नमेंट के पास संप्रभुता होती है, ये बताता है। मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, मोनिस्टिक थ्योरी कहती है कि ऑल पावर वेस्टेड इन स्टेट, की सारी शक्तियां यानी के सबसे पावरफुल क्या है, स्टेट, सरकार है। All powers vested in state, ठीक है, कि सारी की सारी शक्तियां या सारे के सारे actions, activities किसके अंडर में है, स्टेट के, यानी कि स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में सबसे पावरफुल कौन है, स्टेट है। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो है प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई थी, इसके अगेंस्ट में।
अब इन्होंने अपने व्यू दिए, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो स्टेट सॉवरेनिटी है या पावर जो है, देखिए पावर जो वर्ड है ना वो उसको पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में जो है पावर वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पावर तो किसी में भी हो सकती है, आप भी जैसे फिजिकल पावर है ना, या इकोनॉमिक्स पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो पावर तो किसी में भी हो सकती है, राइट, मेंटल पावर, राइट। तो लेकिन एक सोवरेनिटी होती है, यानी कि जब पावर को लीगैलिटी मिल जाए, है ना। जैसे मान लो आपका सिग्नेचर कहीं चल नहीं सकता है ना, तो सोसाइटी आपको फॉलो नहीं करेगी, चाहे आप अपने आप में कितना भी हो, ठीक है। तो पावर जो वर्ड है वो थोड़ा सा मतलब नॉन पॉलिटिकल वर्ड है, ठीक है। तो फिर पावर सोवरेनिटी जब हो जाती है, या जिसको अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है, तो पावर में और अथॉरिटी में फर्क होता है ना। जैसे मान लो एक सिंपल पर्सन, एक हम है और एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो मान लो कहीं पर भी कोई वर्क कराना है, कोई पुली बनाना है, सड़क बनानी है हम लोगों के लिए, तो वो हमारे कहने से शायद ना बने, ठीक है। लेकिन अगर एक आईएएस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी दे देता है, क्योंकि उसके पास एक लीगल जो है पावर है, वो लीगल पावर है उसकी, उसको अथॉरिटी है, वो उसको इश्यू कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने क्या बोला कि स्टेट को सारी पावर है भाई, और कोई भी पावरफुल नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। देखो प्लूरल, ये मोनिस्टिक, ये प्लूरल, यानी कि ये एकल विचारधारा है, मतलब एक ही, बस स्टेट को मान लिया कि भाई सारी पावर्स इसी में है। प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुल, बहुत सारे, मल्टी, है ना। लेकिन इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा कि देयर आर मल्टी इंस्टीट्यूशंस हैविंग पावर, विद पावर, ठीक है। यानी कि समाज में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें पावर होती है, ठीक है। खाली स्टेट में ही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये प्लूरलिस्टिक थिंकिंग जो है ये बोलती है, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कि प्लूरलिस्ट स्टेटेड दैट सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी, है ना। लीगल अथॉरिटी जो होती है, जिसकी कमांड कंपल्सरी होती है ना, दैट सोवरेनिटी रिजाइड्स नॉट विद द स्टेट, जो कि मोनिस्टिक व्यू था, बट इट रिजाइड्स विद मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बल्कि ये बहुत सारी संस्थाओं के साथ है, यानी कि सोवरेनिटी जो है, पावर जो है, अथॉरिटी जो है, वो खाली अकेले स्टेट में ही नहीं है। मान लो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज हमारे देश में जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सारी की सारी देश की पावर मोदी के हाथ में ही है? नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, कौन से, जैसे WTO है ना, IMF है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी हमारी पॉलिसीज को प्रभावित, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर जो उनकी सोवरेनिटी है वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पॉलिसीज को इम्पैक्ट करती हैं। इसका मतलब पावर तो वहां भी हुई है ना। जैसे मान लो हम अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो पेरेंट्स हमको गाइड करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई भी चीज अकेले करी है या कोई डिसीजन अकेले लिया है ना, एक सपोर्ट होता है। तो प्लूरलिस्टिक यही कहना चाहते हैं, इन्होंने इसी चीज को डिपिक्ट किया है कि स्टेट इज नॉट द एलोन वेस्टिंग ऑफ सोवरेनिटी, ओके। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं कि देर एग्जिस्ट मेनी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, एंड मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर प्रायर टू द स्टेट, ठीक है। तो फैमिली भी बहुत पावरफुल है, ठीक है, चर्च, जिनको स्टेट से पहले माना जाता है, ठीक है। तो परिवार से मिलकर क्या बनता है, सोसाइटी बनती, और सोसाइटी का एक पार्ट है स्टेट, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशनल कोई गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी बना रही है तो वो किससे कंसल्ट करेगी, यूजीसी से कंसल्ट करेगी, CBSE से कंसल्ट करेगी, ठीक है, या जितने भी एजुकेशनल बोर्ड है सबसे कंसल्ट करेगी, पब्लिक से भी। तो इसका मतलब क्या, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है पावर नहीं हुई, जुडिशरी फिर उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है,
ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर देती है वही सब कुछ हो जाता है, तो जुडिशरी चेक एंड बैलेंस करती है, तो जुडिशरी में भी पावर बट गई। लेकिन अब आप ये कहोगे मैम जुडिशरी तो स्टेट का ही पार्ट है, लेकिन बटी हुई तो है, तो यहाँ से एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर जो है यहाँ सामने आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो सॉवरेनिटी नॉट रिजाइड्स ओनली विद द स्टेट बट रिजाइड्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस टू। ठीक है, एक चीज और, प्लूरलिज्म इज एन इन्फ्लुएंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। अभी मैंने आपको बताया है वही, ठीक है, विच एंडोर्स द स्टेट विद सुप्रीम एंड अनलिमिटेड पावर। भी स्टेट जो है, मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट और सुप्रीम है, सब कुछ सुप्रीम सोवरेन इंस्टीट्यूशंस और उसको अनलिमिटेड पावर है, असीमित, मतलब उसकी पावर का कोई जो है लिमिट नहीं है। प्लूरलिस्टिक थ्योरीज इंडिकेट दैट पोलिटिकल पावर शुड बी रिगार्डेड एज अनालिटिकल distinct from economic power and in contrast to elitists, power is not concentrated in the hands of a single group but widely dispersed among a variety of groups and actors. जैसे मान लो अभी government है, ठीक है, तो क्या government को NGO प्रभावित नहीं करते हैं? क्या हमारे यहाँ पर NGO work नहीं करते हैं? क्या हमारे यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है? क्या वो गवर्नमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है क्या? अपोजिट पार्टी नहीं है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है क्या? तो बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे जो है यहाँ पर सेक्टर हैं जो स्टेट को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि इनमें भी तो कुछ पावर होगी, ये भी तो इन्फ्लुएंस करेगी। देखो पावर का मतलब होता है जब किसी के अंदर जो है दूसरे से, जब कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, जब वो दूसरों से अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करा ले, इसका मतलब वो पावरफुल हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप जो है, मतलब चलो ये तो मेरी एक एडवाइस है कि मैं आपको बोलूँ कि आप स्टडी करिए, ठीक है, आप इस तरीके से जो है ऑप्शनल को तैयार करिए, है ना। आपको ऑप्शनल को तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है, मैं आपको जो है एक गाइडलाइंस दे रही हूँ, ठीक है। तो वो जो है मेरी अथॉरिटी नहीं है और मेरी पावर नहीं है वो, ठीक है, वो एक एडवाइस है। लेकिन मान लो कोई एनजीओ है या कोई स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने नागरिक कानून पास किया था, तो केरला ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो वो हो जाता है, यानी कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी का एग्जाम्पल होता है ना। इंटरनेशनल, जैसे हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया 2013 में, ठीक है, तो जो WTO के मेजर्स हैं वो लागू हो गए कि भाई आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर लेकिन गवर्नमेंट ने किया, लेकिन WTO में जो है वहां पर गवर्नमेंट को कुछ लॉस फेस करना पड़ा, उनके जो है आगे जो है उनकी वो कोटा से रिलेटेड जो है या WTO के सेफ गार्डिंग में जो है प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कई इंटरनेशनल स्टेज पर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं, है ना, जिनको गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, जैसे फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई आप जो है वल्नरेबल सेक्शंस को या BPL फैमिलीज को जो है आप फ्री फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराइए एट द लोएस्ट प्राइस, ठीक है, और अब तो नवम्बर तक फ्री मिल रहा है, पहले तो 2 रुपीज 1 रुपीज इस तरीके से मिलता है, अब तो नवंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को जो है अकेले अपने जो है हिसाब से ही पावर को जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकती, देर आर सो मेनी सेक्टर्स, देर आर सो मेनी ग्रुप्स, दे आर वेरियस एक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, द स्टेट पॉलिसीज, ओके। तो सुप्रीम और अनलिमिटेड पावर क्यों होता है, जिस पर किसी का भी इम्पैक्ट ना हो,
जो किसी से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया को कह सकते हैं आप, है ना। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है, और अगर कोई ऐसा स्टेट होता भी है ना, तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्टेट कहेंगे उसको। ठीक है, तानाशाह भी कह सकते हैं उसको, एब्सोल्यूट हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो जो मोनिस्टिक था उसमें डेमोक्रेटिक व्यू का अभाव था, दैट इज लेस डेमोक्रेटिक, बट प्लूरलिज्म इज टुवर्ड्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, है ना। जब सबका साथ सबका विकास, प्लूरलिज्म। ठीक है, जब सबको जो है यहाँ पर ठीक है, तो यहां पर क्लियर हुआ आपको। अब यहां पर नेक्स्ट देखिए आप, जो इंग्लिश पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, यानी कि जिन्होंने मल्टी सेक्टर पावरफुल, ठीक है, मल्टी ग्रुप्स हैविंग पावर, वाली बात बोली, तो ये बात किसने बोली, इसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जैसे जीडीएच कोल बहुत बड़ा नाम है प्लूरलिज्म में, ठीक है, जो नेविल फिगिस बहुत बड़ा नाम है, हैरोल्ड जे लास्की यानी कि एच जे लास्की, इसके अलावा मैकाइवर का भी एक नाम आता है यहाँ पर, ठीक है, ये मोनिस्टिक के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ऑफर्स अ वाइटल एंड मिसिंग कंट्रीब्यूशन टू वेरी एक्टिव कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। ओके, तो यहाँ पर जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने प्लूरलिस्टिक एक व्यू पॉइंट दिया। भी स्टेट का ये काम भी हो सकता है ना, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी भी हो सकती है जिसको हम लीगल पावर देने जा रहे हैं, उसका रोल ऐसा भी हो सकता है, एक ये भी पर्सपेक्टिव, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी हो सकती है, राइट, जो कि डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। ठीक है, जिससे कि सोसाइटी और स्टेट दोनों ही डेमोक्रेटिक होते हैं, या एक डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, राइट। प्लूरलिस्टिक व्यू क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट व्यू द नोशन ऑफ स्टेट इज दैट देयर कैन बी वेरियस सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल पावर, देयरफॉर अ सिंगल ग्रुप डू नॉट हैव मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर, ऑल्दो द कैपिटलिस्ट क्लास कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द सोसाइटी। जैसे मार्क्सिस्ट ने क्या कहा है, मार्क्सिस्ट ने कहा है कि कैपिटलिस्ट इज द होल पावरफुल सेक्शन। तो यहाँ पर प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है कि कैपिटलिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, दैट हाउएवर हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द वर्किंग क्लास, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, अभी सब कुछ कैपिटलिस्ट ही हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी देखे, अगर इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो वोडाफोन है ना, जो बड़ी कंपनियां हैं, है ना, या जितनी भी कॉल कंपनियां होती हैं, कोयला वाली ऑयल कंपनी हो गई, है ना, या भी लेटेस्ट आप एग्जांपल देख लीजिए विजाग गैस विशाखापट्टनम वाला जो हुआ था, है कि नहीं, तो जो विजाग गैस जो स्टेराइन गैस निकली थी अभी, ठीक है, तो वो वाला केस हुआ, तो वहां पर संज्ञान लिया गया, तो इन कंपनियों पर क्या किया गया था, फाइन किया गया था ना, ठीक है, तो 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था सुप्रीम कोर्ट, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके का कैपिटलिस्ट है, ये कॉर्पोरेट नहीं है, तो क्या इसको रेगुलेट नहीं किया, ठीक है, तो रेगुलेशन जरूरी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा, ठीक है, तो रेगुलेशन जरूरी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है मोनिस्टिक जो व्यू है या मार्क्सिस्ट जो व्यू है खिलाफ जो है यहाँ पर हमें एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्क्सिज्म की कोई अहमियत नहीं है या प्लूरलिस्टिक की कोई अहमियत नहीं है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है,
तो मिक्सिंग जो है यहाँ पर आपकी शो होती है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक बार और, ठीक है, ये डबल हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका ये दो थ्योरीज थी, ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए इच एंड एवरीथिंग इतना बहुत है आपके लिए, प्लूरलिस्टिक थ्योरी पूछी जाती है यूपीएससी में, ठीक है, और जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी भी, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। कोई डाउट है जो भी स्टूडेंट है, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे आप अपना जो है व्यू पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ में आया, जो भी, ठीक है, तो आप मुझसे जो है कंसल्ट करिए, राइट। ठीक है, एंड दिस वन इज माय कोड किरण वन, जबटोबर से पी हाइक हो जाए, पी इज हाइक्ड, ठीक है, तो आप इससे पहले जो है एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, राइट, दिस वन, ठीक है। राइट, तो आज के लिए इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 3:15, ठीक है, एट 3:15 आई विल टेक योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग नेहरू इरा का पार्ट टू करेंगे, ठीक है, और इस वाली क्लास में जो अभी हमारी 3:30 बजे क्लास होगी, ठीक है, इसमें मैं आपको नेहरू इरा में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इस तरीके से जो बजे, ये आपका ऑप्शनल हो रहा है और ये आपका जो है मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, तो आप इसको अटेंड करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।